हाय यूट्यूब भाई, मैं आसिम और हाउ टू उर्दू की जानिब से एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने मोबाइल गुमशुदा मोबाइल को तलाश कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, बहरहाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप इस तरीके से आप अपने मोबाइल की लोकेशन मालूम कर सकते हैं, उसका डाटा अरेज कर सकते हैं, उस पर एक लॉक लगा सकते हैं, उस पर स्क्रीन पर वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाने के बाद किसी ने उसको रिस्टोर या उसका डाटा वाइप कर दिया है, सारा डाटा फॉर्मेट कर दिया है, तो फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, तो मोबाइल की तरफ चलते हैं। तो आपने अपने मोबाइल में आने के बाद जनाब यहाँ पे गूगल सेटिंग सर्च करना है। और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का टैब होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। रिमोटली लोकेटेड दिस डिवाइस, इसको भी आपने ऑन कर देना है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता जाऊँ कि जिस अकाउंट से आप मोबाइल में जीमेल अकाउंट से लॉगिन थे, उसी से आपने अपने पीसी में और लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन होना है। जनाब आपने अपने कंप्यूटर में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। तो सबसे पहले जो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है, इसको आपने ओपन करना है और ये आपको यहाँ पे ले आएगा। तो ये देखते हैं, ये आप कनेक्टिंग योर डिवाइस, आपकी डिवाइस जो कनेक्टेड से कनेक्ट हो रहा है, और इस टाइम ये आपको आपकी लोकेशन बता देगा या आपका जो मोबाइल गुम हो चुका है उसकी आपको लोकेशन बता देगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे बता रहा है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप उस मोबाइल पे रिंग कर सकते हैं। मैं एक बार रिंग करके देखता हूँ। रिंग रिक्वेस्टेड। तो ये देखें मेरे पास रिंग आई थी। इसके अलावा आप एम्बल लॉग एंड अरेज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी डिवाइस का नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप लोकेट डिवाइस पे क्लिक करते हैं, तो आपकी ये जो लोकेशन है जिस जगह पे ये मोबाइल इस टाइम यूज़ हो रहा है वो आपको बता देगा। लास्ट लोकेटेड एट 11:27 पर PM पर जो लोकेट हुआ है। तो हमारा ये PC का टाइम भी यही है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। कनेक्टिंग योर डिवाइस, आपकी डिवाइस जो कनेक्टेड से कनेक्ट हो रहा है और इस टाइम ये आपको आपकी लोकेशन बता देगा या आपका जो मोबाइल गुम हो चुका है उसकी आपको लोकेशन बता देगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे बता रहा है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप उस मोबाइल पे रिंग कर सकते हैं। मैं एक बार रिंग करके देखता हूँ। रिंग रिक्वेस्टेड। तो ये देखें मेरे पास रिंग आई थी। इसके अलावा आप एम्बल लॉग एंड अरेज भी कर सकते हैं और अपने पीसी में और लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन होना है। जनाब आपने अपने कंप्यूटर में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर।
तो सबसे पहले जो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है इसको आपने ओपन करना है और ये आपको यहाँ पे ले आएगा। तो ये देखते हैं, ये आप और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का टैब होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। रिमोटली लोकेटेड दिस डिवाइस, इसको भी आपने ऑन कर देना है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता जाऊँ कि जिस अकाउंट से आप मोबाइल में जीमेल अकाउंट से लॉगिन थे उसी से आपने ना चाहूँगा आप इस तरीके से आप अपने मोबाइल की लोकेशन मालूम कर सकते हैं, उसका डाटा अरेज कर सकते हैं, उस पर एक लॉक लगा सकते हैं उस पर स्क्रीन पर वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाने के बाद किसी ने उसको रिस्टोर या उसका डाटा वाइप कर दिया है, सारा डाटा फॉर्मेट कर दिया है, तो फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, तो मोबाइल की तरफ चलते हैं। तो आपने अपने मोबाइल में आने के बाद जनाब यहाँ पे गूगल सेटिंग सेट करना है। हाय यूट्यूब, आई एम आसिम और हाउ टू उर्दू की जानिब से एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने मोबाइल गुमशुदा मोबाइल को तलाश कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, बहरहाल मैं आपके साथ शेयर कर